बहन अतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक सिटिंग मुख्यमंत्री है, और एक सिटिंग मुख्यमंत्री ही नहीं, वो जेड प्लस सिक्योरिटी पे चलने वाले व्यक्ति हैं। एक जेड प्लस सिक्योरिटी पे चलने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी, उनकी गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, उनको कैसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं? सुनने में आ रहा है शायद राहुल गांधी पहुंच ही रहे होंगे अरविंद केजरीवाल जी के घर में। बेल क्लब में अरविंद केजरीवाल जी का भी स्वागत है, सब बेल पे बाहर हैं। आज तांता लगा है सोनिया जी, राहुल जी और लालू प्रसाद यादव का कि अरविंद केजरीवाल ही हमारे लीडर हैं। बिल्कुल सही कहा, ही इज द लीडर ऑफ द करप्ट्स। अरविंद केजरीवाल ये जितने भी करप्ट लोग हैं उनके लीडर हैं, करप्ट्स के करप्ट हैं। लोकतंत्र में जब जनता जनार्दन सच्चाई जान जाती है और जब वो आपके नैया को डुबोने लगती है तब मरता क्या नहीं करता वाली परिस्थिति होती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय बहन अतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक सिटिंग मुख्यमंत्री है, और एक सिटिंग मुख्यमंत्री ही नहीं, वो जेड प्लस सिक्योरिटी पे चलने वाले व्यक्ति हैं। एक जेड प्लस सिक्योरिटी पे चलने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी, उनकी गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, उनको कैसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं? मित्रों याद करिए, ये वही व्यक्ति है, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो एक ब्लू रंग की गाड़ी में आते थे और कहते थे मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, सर की कसम खाता हूं, कांग्रेस के साथ साथ नहीं निभाऊंगा। और आज दुहाई दे रहे हैं मैं तो जेड प्लस वाला हूं, मेरी गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? सिक्योरिटी नहीं लूंगा से जेड प्लस, घर नहीं लूंगा से शीश महल, बच्चों की कसम कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अभी सुनने में आ रहा है शायद राहुल गांधी पहुंच ही रहे होंगे अरविंद केजरीवाल जी के घर में, क्यों ना हो भला। द बेल क्लब में अरविंद केजरीवाल जी का भी स्वागत है, सब बेल पे बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी 15,000 रुपए का मुचलका लोअर कोर्ट ने दिया था, आप याद, सेक्शन 174 के अंतर्गत। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, यही वो अरविंद केजरीवाल है और यही वो कांग्रेस पार्टी है जो एक दूसरे को करप्ट कह रहे थे। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे देश का सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा है, देश की सबसे भ्रष्टतम अध्यक्षा कोई है तो वो सोनिया गांधी है, लालू प्रसाद यादव से ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है। और आज तांता लगा है सोनिया जी, राहुल जी और लालू प्रसाद यादव का कि अरविंद केजरीवाल ही हमारे लीडर हैं। बिल्कुल सही कहा, ही इज द लीडर ऑफ द करप्ट्स। अरविंद केजरीवाल ये जितने भी करप्ट लोग हैं उनके लीडर हैं, करप्ट्स के करप्ट हैं, भ्रष्टाचारियों में भ्रष्टाचारी है, तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी जो पानी पी पी के आम आदमी पार्टी को कोस रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि मिनिमम 100 करोड़ का स्कैम है, न जाने और कितना बड़ा स्कैम होगा, आज यही सारे नेता आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि इन सब की नैया डूब रही है। लोकतंत्र में जब जनता जनार्दन सच्चाई जान जाती है और जब वो आपके नैया को डुबोने लगती है तब मरता क्या नहीं करता वाली परिस्थिति होती है। सारे भ्रष्टाचारी, आप देखिएगा ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे होने वाले हैं और वो जो फेमस सीन है एक दूसरे के हाथ उठा करके खड़े होने वाले हैं, वो 2G वाले, जीजाजी वाले, अब ये लिकर स्कैम वाले, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सारे भ्रष्टाचारी एक दूसरे के हाथ उठा के खड़े होंगे। वह दृश्य भी हिंदुस्तान की राजनीति 24 के इलेक्शन में ही देख लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं स्वाभाविक रूप से कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। धन्यवाद।